हेलो लर्नर्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट माय नेम इज नवीन कुमावत सो आज आप सोच रहे होंगे कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं राइट सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वांट टू आस्क यू अ स्मॉल क्वेश्चन हाउ वी आर एबल टू सी थिंग्स अराउंड अस आई होप आप सब ने आईज और लाइट कहा होगा बट वॉट इफ आई आस्क यू वॉट इज लाइट so in today's session we will see what is light how we are able to see things around us what are luminous and non luminous objects and at the last we will see what are transparent translucent and opaque objects shall we start okay so starting with the first what is light it is a form of energy which help us to see things around us matlab ek energy jo hame हेल्प करती है आसपास की चीज़ों को देखने में सो so, अब हम जब लाइट की बात करें ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इन्हें कोई हम कहते हैं फोटोन्स और ये जो फोटोन्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जाइज होते हैं और ये बहुत ही तेज़ स्पीड में ट्रैवल करते हैं सो so, अब हम बात करेंगे कि कैसे हम हमारी आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं दैट हाउ वी आर एबल टू सी थिंग्स अराउंड दिस

इमिट करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स देखें लाइक सन लाइक बल्ब एंड लाइक फायर फ्लाइस विच प्रोड्यूस देयर ओन लाइट नाउ वी विल सी वॉट आर नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विच डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड अ नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट मतलब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो कुछ इसके भी एग्जाम्पल देखें लाइक मून लाइक दिस ऑटो एंड लाइक बुक्स, विच डज नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट बट हाउ वी आर एबल टू सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स इफ दे डोंट इमिट देयर ओन लाइट ओके लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस गायज एबल टू सी द बुक और वो बुक को देख पा रहा है और पढ़ पा रहा है बट हाउ इट इज पॉसिबल ओके इफ यू सी दिस पिक्चर केयरफुल ऑन दी है लाइट लैम्प सो जब लाइट लैम्प से लाइट रेज निकल के बुक की सरफेस पे आती है तो जो बुक की सरफेस है वो उन लाइट रेडिएशन को वहां से रिफ्लेक्ट करके डायरेक्टली हमारी आंखों में सेंड करती है और उसी की वजह से हमें बुक दिखाई पड़ती है और हम उसे पढ़ पाते हैं दिस इज हाउ लाइट ट्रेवल्स और रिफ्लेक्ट बाई अदर सर्फेस नो दैट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अब हम बात करेंगे फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की किस बेसिस पे कि वो लाइट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं हाउ डू दे इंटरेक्ट विद द लाइट ओके

आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स मतलब ऐसे मटीरियल्स जो लाइट तो पास होने देते हैं बट बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर उन्हीं को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट मटीरियल ओके अब आपको ये पता चल गया है कि वट आर ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स एंड वट आर ट्रांसलूसेंट मटीरियल सो नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑपिक मटीरियल्स सो द मटीरियल्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास सुम ड्यू टू विच वी कैन नॉट सी एनी थिंग थ्रू दैन आर कॉल्ड ऑपिक मटीरियल्स मतलब ऑपिक मटीरियल्स वो होते हैं जो कुछ भी पास होने नहीं देते अपने में से उन्हीं को हम कहते हैं ऑपिक मटीरियल्स और ऐसे ही ऑब्जेक्ट से बनती है हमारी शेडोज ओके सो नाउ इट्स अ टाइम फॉर अ क्विज आर यू ऑल रेडी तो चलो शुरू करते हैं सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ लाइट सो द आंसर इज मून सो यू माइट बी वर्नरिंग वाई मून लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल सो एज वी ऑल नो सन इज एन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद की एनर्जी और खुद की लाइट होती है So, जब ये लाइट सन से मून की सरफेस पे जाती है तो मून की सरफेस उन लाइट रेस को अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट कर देते हैं एंड दैट्स वाई वी आर एबल टू सी मून इन नाइट सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन स्काई अर्थ एंड मून आर एंड द आंसर इज ओपेक। क्योंकि अर्थ और मून दोनों ही ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं

We studied what are transparent, translucent, and opaque materials. And that's all for this session. I hope you liked it. Thank you.